अगर आप जानना चाहते हैं ये जियो गीगा फाइबर आखिर काम कैसे करने वाला है, ये आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, अगर आप इसकी सारी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। हम बात करने वाले हैं जियो का गीगा फाइबर आखिर काम कैसे करेगा। इसकी प्रोसेस जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। जो इंटरनेट होता है उसमें जितना डेटा होता है वो सर्वर्स में सेव रहता है। वो सारा डेटा जो सबमरीन केबल होती है, जो समुद्र के नीचे बिछी होती है, जो फाइबर केबल होती है, उनसे डेटा हमारे कंट्री तक आता है। तो हमारी कंट्री के बाद जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो उसे आगे सर्व करते हैं। जैसे कि जो टीयर वन कंपनी है उसने समुद्र के नीचे केबल बिछाई, जो टीयर टू कंपनी हो गई वो मान लो जियो है, उसने वो जो डेटा है वहाँ से जो सी सबमरीन केबल से आया है उस डेटा को आगे ट्रांसमिट करती है, उसका उनसे पैसा देती है। तो ये प्रोसेस हुई टीयर टू कंपनी की। टीयर टू कंपनी होती है ये हमें डेटा प्रोवाइड करती है, यानी कि टीयर टू कंपनी अगर कोई बीच में जो तीसरा प्रोवाइडर है उसे भी डेटा देती है, या फिर सीधी भी टीयर टू कंपनी हमसे डेटा प्रोवाइड कर देती है। डेटा सारा डेटा सेंटर में स्टोर रहता है, वहाँ से वो सबमरीन के बिल से हमारे पास आता है और उसके बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि मान लो जो डेटा हमारी कंट्री तक आया, उसके बाद जो आगे फाइबर के बिल भी सही गई, जो जियो गीगा फाइबर है वो इसी तरह काम करेगा। हमारी कंट्री तक जितनी फाइबर के बिल आई है उनसे आगे वो हमारे शहर तक फाइबर के बिल आएगा, यानी कि जियो का जो गीगा फाइबर सर्विस है उसके लिए उसको काम करने के लिए आपके शहर तक एक फाइबर केबल होनी चाहिए, अगर तभी वो जियो का गीगा फाइबर काम करेगा। मान लीजिए जियो ने आपके शहर तक फाइबर केबल बिछा दी है, अब बात करते हैं आपको वो आगे कनेक्शन कैसे देगा। मान लीजिए जियो का जो फाइबर कनेक्शन है वो आपके शहर तक आ चुका है, जो फाइबर केबल होती है वो एक बाल जितनी मोटी होती है, उस केबल को हमारे शहर तक लाया जाता है। उसके बाद अगर मान लो आप किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं या फिर आपके शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वो जो फाइबर केबल होती है वो आपको वार्ड तक पहुँचा दी जाती है, यानी कि अगर आपके शहर में शहर को वार्ड के हिसाब से बांटा गया है तो वो केबल आपके वार्ड में आ जाएगी, वहाँ से आपको आगे कॉपर वायर दी जाएगी, या फिर अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के मेन अपार्टमेंट तक वो केबल आ जाएगी, वहाँ से ऊपर आपको जितने भी कनेक्शन लेते हैं वहाँ पर आपको कॉपर की केबल दी जाएगी। ऐसे ही ठीक जियो गीगा फाइबर में किया जाएगा। मान लीजिए जियो ने अपनी केबल आपके शहर तक बिछाई, उसके बाद वो आगे जो केबल आपको देगा वो जो जियो गीगा फाइबर में लगेगी वो केबल आपको कॉपर केबल मिलेगी, यानी आपको पूरी आपको फाइबर केबल नहीं दी जाएगी, आपको अपनी जो बिल्डिंग है वहाँ तक आपको फाइबर केबल मिलेगी, उसके बाद आगे जितने भी कनेक्शन होंगे सारे आपको कॉपर केबल में करनी होगी। सबसे पहले इंटर डेटा सेंटर से सी वेव केबल के जरिए आपके देश तक आएगा, उसके बाद वो डेटा आपके शहर तक, उसके बाद आगे कॉपर केबल के जरिए आपके वो राउटर में आएगा, राउटर से आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ये होगी जियो गीगा फाइबर की प्रोसेस। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा आपको जियो गीगा फाइबर में आखिर आपको प्रोसेस कैसे मिलेगी, आपको कनेक्शन कैसे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।